Hello guys, I'm Kuldeep Patnaik from Icon Tutorial, and today I'm studying a new topic. Prove that 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये हमारा एक मतलब पैरेलल का पैरेलल से कनेक्शन का है कि कैसे R1, R2, R3 जब 3 when 3 रजिस्टर्स R1, R2 और R3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, व्हाट इज द RP? RP means the equivalent equivalent resistance. Okay, we prove that. Here I have a picture from previously. We have three resistors R1, R2, R3. Here we flow the current I. The current divides into I1, I2, and I3. Here we know that the voltage is constant and here the parallel connection. Okay. We are surprised something. Here the voltage is the parallel connection, the voltage is constant. When it is voltage is constant. Okay. When the current is flow from the joint, it divides into three parts. It is divided into I1, I2, and I3. So the I equal to I1 plus I2 and I3. Okay. Then we have learn a by using Ohm's law. Okay, using Ohm's law. We know Ohm's law. Ohm's law is B equal to IR. Okay, B equal to IR. We have B is the constant. Here I. Okay. We have. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. I equal to B by R. लिख सकते हैं. Okay. हम इसी को अभी इसमें use करेंगे. ठीक है. जब I के लिए यहाँ पर I के लिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस B है और रेजिस्टेंस R है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस RP है, मतलब पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस B है. जब ये I को यहाँ पर पुट करेंगे I1 के जगह पर जब हम I1 लिखेंगे तब ये I1 के लिए वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट B एंड R RP, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा R1. अंडरस्टूड? ओके. जब हम यहाँ पर I2 लेंगे, फॉर I2 द वोल्टेज इज B and the resistance is R2. जब हम पर I3 लेंगे, पर I3 the voltage is B constant and the resistance is R3. ठीक है, ये हमको अभी मतलब ये कुछ मिल गया जब कि from Ohm's law by using Ohm's law. Okay. I have a formula here. हमको पता था कि हम अभी देखेंगे I plus I1 plus I2 plus I3 equal to I. ठीक है, अगर हम इसको अभी इसको लेकर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, पूरा ये सर्किट के लिए मतलब पैरेलल सर्किट के लिए I मतलब IP, पैरेलल सर्किट के लिए करंट पूरा है IP, हम इसको यहाँ पे IP लिख देते हैं, मतलब गलती छोड़ दिया था, पर पैरेलल सर्किट द I इज IP. ओके, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस RP हो रहा था इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट करंट फॉर द पैरेलल सर्किट इज IP. फ्रॉम द इक्वेशन वी हैव जस्ट पुट द थिंग्स. ओके, वो यहाँ द IP इज देयर, IP इक्वल टू B बाय RP. फॉर I1 वी हैव पुट दैट I1 इक्वल टू B बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू V बाय R2 plus I3 equal to V by R3. Just we have completed. अगर हम बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं, अभी हम मुझे कुछ यहाँ पर लग रहा है क्या, हम इसको B को कॉमन ले सकते हैं. जब हम B को कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक है, ये जो B इधर मॉडिफाई है तो वो अंदर रखा हुआ है, हम इसको एग्जांपल लेके डिवाइड कर देंगे, तो V by R P डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1 by V होगा इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. ये V V कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट कॉम्स 1 by R P इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. तो यह प्रूव करते हैं, हमको चाहिए था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट के लिए, तो इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 by R1 1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. हम
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 का इनवर्स। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। हम इसको पैरेलल सर्किट के लिए यूज किए थे। ये जो था हमने के पैरेलल सर्किट लिए, यहाँ पर हमारा करंट था पैरेलल सर्किट के लिए Ip, यहाँ पर थ्री रेजिस्टर यूज किए थे R1 R2 R3। ओके, यहाँ पर I1 करंट थ्री तीन बार में डिवाइड हो गया, तो I1 I2 और I3। ठीक है, इसमें क्या था, एक पैरेलल सर्किट द वोल्टेज कांस्टेंट, या द वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड I इज डिवाइडेड टू 3 बी द Vp इक्वल टू I1 plus I2 and I3 and by Ohm's law we know the Ohm's law V equal to IR. By Ohm's law we find that I1 equal to I1 for I1 equal to the resistance R1 and voltage constant V equal to R1. For I2 the V voltage constant and the resistance is R2. For I3 the voltage is constant and the resistance is R3. From this equation we have heard that for the whole circuit, for the whole parallel circuit, the current is Ip and the voltage V, and we know the equivalent resistance is Rp. From that, we have put the things in this equation and we get the result. Okay, then that's all for today. We have finished the next class. Okay, thank you.